औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम। नाज़रीन, कुरान मजीद से दम करना तो आपको मालूम है कि सूरह फातिहा से भी दम करते हैं, और सूरह फातिहा सूरह शिफा भी है। तो एक और दफ़ा का वाक़िया है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, तो आपने पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज है, ठीक नहीं है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा, क्या आप बीमार हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी। नाज़रीन, ये दुआ आप याद कर लीजिए, और ये दुआ आप दम करने के लिए इस्तेमाल कीजिए मरीज़ के ऊपर। जब आपको सामने मरीज़ पाएँ, आपके घर में हो या आपके ख़ानदान में, कहीं भी आप जाएं किसी की इयादत करने के लिए, तो इस दुआ को याद कर लीजिए, क्योंकि ये दुआ आसमानी दुआ है। ये कुरान मजीद में मौजूद नहीं है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी जान माल सब कुछ को कुर्बान कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी हम तक पहुंचा दी कि ये भी एक ऐसी दुआ है दम करने के लिए, और ये बहुत ख़ास दुआ है। मुझे याद है नाज़रीन कि मैं जब परदेस में था तो अरबी लोगों के तो मुँह से मैंने ये बहुत दफ़ा सुनी, और मुझे समझ नहीं आती थी उस वक्त कि ये लफ्ज़ कहाँ से पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने ये कुरान मजीद में ये नहीं पढ़ा था। तो ये दुआ याद कर लीजिए, स्क्रीन पे लिखी आ रही है, और इससे आप किसी को भी दम कर सकते हैं। बड़े दुआ का सुनिए, और इसके मैं तर्जमा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि कितनी ख़ास बात है। बिस्मिल्लाह अरकीक मिन कुल शैइन युज़ीक मिन शर्र कुल नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफीक। बिस्मिल्लाह अरकीक, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बड़े ही खूबसूरत हैं। आप इसको तेज़ी से भी चाहें तो दम कर सकते हैं, और अपने हाथों पे दम करके उसके ऊपर भी आप फेर सकते हैं। इसका मतलब ये देखिए क्या है कि, यानी गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाह अरकीक, अल्लाह ताला के नाम से मैं दम करता हूँ, यानी तुम्हें अरकी, क्योंकि काफ इस्तेमाल हुआ कीक, तो मैं तुम्हें दम करता हूँ हर उस बीमारी से जो तुझे दुख पहुँचाए। मिनकुल्ले यानी तमाम में से, मिनकुल्ले शैइन उन तमाम चीज़ों में से, योजीक जो तुम्हें दुख पहुँचाती है। क्या खूबसूरत है, आगे सुनिए। मिन शर्रे कुल्ले नफ्सिन ओ आइनी हासिद, वही हासिद वाली बात हो गई ना, कि हर हासिद की बुराई और बदी से। नाज़रीन, हासिद शख्स इंतहाई ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब हासिद अपना हसद करता है तो अपने हसद की आग में तो वो जलता ही है, लेकिन उसका हसद जो है वो कोई बुरा अमल कर सकता है उस बंदे पे जिसकी वजह से वो हसद कर रहा होता है। इसीलिए है कि अल्लाहु यशफीक, अल्लाहु यशफीक, कि अल्लाह तुझे शिफा दे। जिन लोगों को ये पूरी ना याद हो सके, वो प्लीज़ मेहरबानी होगी कि ये लफ्ज़ दो लफ्ज़ याद कर रहे, अल्लाहु यशफीक। बस किसी से भी पूछें क्या हाल है, भाई हाल ठीक नहीं है, अल्लाहु यशफीक, इतना तो बोल सकते हैं कि यानी अल्लाह तुझे शिफा दे दे। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये आसमानी वजीफ़ा है, ये आसमानी ज़िक्र है। ये किसी को समझ लें कि ख्वाब के ज़िक्र भी सच्चे होते हैं, लेकिन देखें कुरान करीम भी आसमानी किताब है और ये भी आसमानी वजीफ़ा है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बताया हुआ। ये सुनन अल तिर्मिज़ी में 972 में जो है इसका नंबर है, इस हदीस का जो बताया हुआ है। तो इससे आप गौर कीजिए कि कितनी ख़ास बात है। तो आप क्यों ना इसको अपने जो है बीमारों के ऊपर पढ़ के फूंकना शुरू कर दें। तो बीमारी से मुराद जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वो ये भी हो सकता है, क्योंकि जादू भी तो था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, शायद ये उस ज़माने की है। तो वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुछ ऐसे कुछ मामला होता था, कुछ अगर मैदे का मसला, तो उस वक्त भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया था कि जौ का दलिया, उसका जो है जौ का दलिया बना के जो आप खाएँ, यानी
जो तलबीना का उसको नाम दिया था वो तलबीना बना के खाइए। वो कहला था मैं वीडियो आपके लिए और बना के अपलोड करूँगा कि उसका क्या तरीक़ाकार है, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियों में शिफा मिलती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।